Hello students, welcome to our YouTube channel Experience Tutor. हमारे YouTube channel Experience Tutor में आपका स्वागत है. आज हम लोग डिस्कस करेंगे Class 12th Chemistry Chapter 10 haloalkanes and haloarenes ncert line by line Part 10. आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से निवेदन है हमारे YouTube channel Experience Tutor को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें. बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्लीज ऑन कर लें जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे. चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10.7 का, विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर. ठीक है, ये दो पेयर्स दिए हुए हैं, इन पेयर्स में से कौन सा अल्काइल हैलाइड ज्यादा रैपिडली रिएक्ट करेगा SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से. ठीक है, तो इसको करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, अब हम लोग करेंगे. तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है, दो कंपाउंड बने हैं उनको लिखते हैं, CH2 और यहां पे Br. ये तो पहला हो गया. अब दूसरा क्या, दूसरा इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1-bromo. वन ब्रोमो ब्यूटेन. वन ब्रोमो क्यों, फर्स्ट कार्बन आइटम के साथ लगा हुआ है. नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, 3, 4, तो 1-bromo ब्यूटेन. दूसरा वाला है CH2 CH, उसके बाद CH3 और यहां पे एक Br, तो इसका नाम हो गया यहां पे 2-bromo ब्यूटेन. ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री. अब हम क्या जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स जो होंगे अप्रोच करेंगे वो 2-bromo ब्यूटेन में कम की ओर कम और 1-bromo ब्यूटेन की ओर ज्यादा रिएक्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स. ठीक है, इसलिए 1-bromo ब्यूटेन ज्यादा रिएक्टिव होगा 2-bromo ब्यूटेन
के रेस्पेक्ट में बाय SN2 मैकेनिज्म से, बाय SN2 मैकेनिज्म से। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे कि 2 ब्रोमोब्यूटेन, टू ब्रोमोब्यूटेन इज अ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ठीक है, वेरेज वेरेज 1 ब्रोमोब्यूटेन इज अ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। The approaching of nucleophile is more hinder in 2 bromobutane than in 1 bromobutane. Therefore, one bromobutane reacts reacts more rapidly than 2 bromobutane. By SN2 mechanism. अब सेकेंड वाले के कंपाउंड्स हैं CH3, CH2, CH, CH3, यहां पे एक BR लगा हुआ है, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये हो गया 2 डिग्री। दूसरा कंपाउंड है CH3 BR CH3 CH3,
अब इसका नाम हो गया 2-bromo, 2-bromo, 2-methyl. प्रोपेन प्रोपेन ये हो गया 3 डिग्री, ठीक है. तो 2-bromo-butane 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया और 2-bromo-2-methylpropane 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया. तो अब ग्रेटर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है. टू हिंडर द अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है. हेंस 2-degree-bromo-butane और 2-bromo-butane रिएक्ट्स मोर रैपिडली देन 2-bromo-2-methylpropane बाय SN2 मैकेनिज्म. तो इसको उसी तरह लिखेंगे. इसको इंग्लिश में लिखेंगे कैसे? 2-bromo-butane इज, अभी लिख लेते हैं फिर इसको एक बार पढ़ देंगे. ऑलरेडी सेकंड पार्ट को हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब लिखेंगे कैसे वो हमने यहां पे लिखे बताया है. 2-bromo-butane इज सेकंड डिग्री अल्काइल हैलाइड्स वेयर एज 2-bromo-2-methylpropane इज 3rd-degree अल्काइल हैलाइड. देयरफॉर ग्रेटर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन 3-degree अल्काइल हैलाइड देन 2-degree अल्काइल हैलाइड. टू हिंडर द अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल, तो ड्यू टू डेटर नंबर ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन 3-degree द अप्रोचिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल हिंडर्स. हेंस 2-bromo-butane रिएक्ट्स मोर रैपिडली देन 2-bromo-2-methylpropane बाय SN2 मैकेनिज्म, ठीक है. अब थर्ड वाला देखते हैं. थर्ड के दो कंपाउंड हैं CH3CH, यहां पे और एक CH3 लगा हुआ है, उसके बाद CH2, फिर CH2, लास्ट में Br, ठीक है. और दूसरा इसका नाम क्या हो गया? 1-bromo-3-methylbutane. तो कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4. तो 1 के साथ ब्रोमो लगा हुआ है तो लिखेंगे 1-bromo, ठीक है. उसके बाद 3-methyl, उसके बाद ब्यूटेन, ठीक है. ये 1 डिग्री हो गया, उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया. अब उसके बाद दूसरा कंपाउंड है CH3CH2CH2, यहां पे Br लगा हुआ है और यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. तो इसका नेमिंग कन्वेंशन क्या हो गया? 1, अब नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4. तो 1 के साथ ब्रोमो लगा हुआ है तो 1-bromo हो गया. उसके बाद 2 के साथ क्या लगा हुआ है? मिथाइल. उसके बाद कितने कार्बन एटम है? 4 है लॉन्गेस्ट चेन में, तो ब्यूटेन ये हो गया. अब ये भी क्या है? 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री है. तो क्या होगा? बोथ अल्काइल हैलाइड्स आर प्राइमरी, दोनों 1 डिग्री है. लेकिन क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट CH3 मिथाइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है ग्रेटर डिस्टेंस टू द कार्बन एटम लिंक्ड विद ब्रोमीन. अब देखिए ये देखना है कि
कौन से मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन या ब्रोमीन से दूर है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? तो वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन में जो CH3 का सब्स्टिट्यूएंट है वो ज्यादा दूर है, ठीक है, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो लेस हिंडर होगा, ठीक है। और लेस हिंडर होगा इसलिए वन ब्रोमो लेस हिंडर किसमें होगा, जो दूर है उसके उसमें होगा, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन विल रिएक्ट फास्टर देन वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, इन SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें मेन जो कंटेंट क्या करता है, मेन ब्रोमीन से CH3 सब्स्टिट्यूएंट किस केस में ज्यादा दूर है, फर्स्ट केस में ज्यादा दूर है इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, एक लिख देते हैं उसके बाद समझा तो दिया ही है, जस्ट नोट्स के लिए, आपके नोट्स के लिए लिख देते हैं इसको। तो इसको तो ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो अब देखिए लिखेंगे कैसे। बोथ अल्काइलाइड्स आर प्राइमरी, दोनों ही प्राइमरी हैं। हाउएवर द सब्स्टिट्यूएंट CH3 इज एट अ ग्रेटर डिस्टेंस टू द कार्बन आइटम लिंक्ड विद ब्रोमीन, ठीक है। तो CH3 जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ब्रोमीन वाले कार्बन आइटम से ज्यादा दूर में है, कहां पे है, पहले वाले के केस में, वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन के केस में ये ज्यादा दूर है। देन किसके रेस्पेक्ट में, वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन के रेस्पेक्ट में। देयरफॉर द अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल इज लेस हिंडर इन केस ऑफ फॉर्मर, तो पहले वाले के केस में मींस वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन के केस में जो न्यूक्लियोफाइल होगा लेस हिंडर्ड होगा, मींस लेस कम रुकावट होगी, अप्रोचिंग जो न्यूक्लियोफाइल होगी उसमें कम रुकावट होगी पहले वाले के केस में विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे वाले के, इसलिए पहला वाला जो होगा वो फास्ट रिएक्ट करेगा किससे, दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में, SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी 10.7 खत्म कर लिया है, अब 10.8। इन द फॉलोइंग pairs ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन, ठीक है, पहला ये है दूसरा ये है, दोनों पेयर में से, इन पेयर में से कौन फास्टर होगा, इस पेयर में से कौन सा फास्टर होगा, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इनका नेमिंग करेंगे, ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर पहले वाले कंपाउंड का और यहाँ पे हैलोजन कंपाउंड का, तो इसका नाम हो जाएगा 2-chloro-2-methyl-propane, ठीक है, तो 2-chloro-2-methyl
methyl propane. प्रोपेन, ये हो गया 3 डिग्री, ठीक है, ये 3 डिग्री हो गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये तो हो गया 3 डिग्री. अब नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो ऐसा है, यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका नेमिंग हो गया 3 क्लोरोपेंटेन. पेंटेन ये हो गया 2 डिग्री, ठीक है. तो इसका नेमिंग कैसे हुआ यहां पे 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन कैसे, बस काउंटिंग कर लीजिए. तो यहां पे काउंटिंग 1 2 तो 2 के साथ क्लोरीन भी है, 2 के साथ यह मिथाइल ग्रुप भी है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 1 2 3 कर लीजिए. हां 1 2 3 ये स्ट्रेट चेन है, तो 2 के साथ क्लोरीन भी है, 2 के साथ मिथाइल ग्रुप भी है. अब नेक्स्ट यहां पे इसका काउंटिंग कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 तो 3 के साथ क्लोरो है, अब पेंटेन लॉन्गेस्ट में 5 है, तो पेंटेन, तो ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ठीक है. अब इसको ध्यान से देखिए, तो इसको समझना पड़ेगा कि SN1 रिएक्शन जो होता है वो प्रोसीड करता है कैसे, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन के साथ, ठीक है. अब 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन पहला वाला वो 3 डिग्री है, और 3 क्लोरो पेंटेन ये 2 डिग्री है. अब क्या होगा, पहला वाला क्या बनता है, 3 डिग्री कार्बन कैटायन बनाता है, और दूसरा वाला 2 डिग्री कार्बन कैटायन बनाता है. अब स्टेबिलिटी कार्बन कैटायन का जितने स्टेबल होगा उतना ही फास्ट SN1 का रिएक्शन होगा, तो कार्बन कैटायन जितने स्टेबल होंगे उतना ही फास्ट SN1 का रिएक्शन होगा. और इस केस में, हमारे केस में 3 डिग्री कार्बन कैटायन जो है मोर स्टेबल है देन 2 डिग्री कार्बन कैटायन, ठीक है. इसलिए 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन क्या होगा, ज्यादा जल्दी फास्ट रिएक्ट करेगा SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से 3 डिग्री क्लोरोपेंटेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है. अब हम इसको लिखेंगे अच्छी तरह से, तो इसको तो ऑलरेडी समझा चुके हैं और एक बार समझा देते हैं. देखिए 3 डिग्री कार्बन SN1 रिएक्शन बेस होता है, बेस है किस पे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कैटायन के. अब 3 डिग्री कार्बन कैटायन ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री कार्बन कैटायन से, ठीक है. और SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है, जो कार्बन कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन SN1 रिएक्शन ज्यादा फास्टर होगा, ठीक है. यहां पे 3 डिग्री कार्बन कैटायन जो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन ये ज्यादा स्टेबल है, इनके कार्बन कैटायन ज्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू 3 क्लोरोपेंटेन के, इसलिए इसका रिएक्शन जो होगा ये ज्यादा रिएक्टेंट होगा, कौन,
2-chloro-2-methylpropane. लिखेंगे कैसे, 2-chloro-2-methylpropane forms 3-degree carbon cation, while 3-chloro-pentane forms 2-degree carbon cation. Greater the stability of carbon cation, faster is the SN1 reaction. Since 3-degree carbon cation is more stable than 2-degree carbon cation, therefore 2-chloro-2-methylpropane undergoes faster SN reaction than 3-chloro-pentane. ठीक है, अब सेकंड केस में ये दो कंपाउंड्स हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं. तो नेमिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है. ये 7 हो गया, तो इसका नाम हो गया 2 में क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए 2-chloro-heptane. अब इसका नेमिंग कन्वेंशन कर लेते हैं, नेमिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया 1-chloro-hexane ठीक है. तो ये हो गया आपका 2-degree अल्काइल हैलाइड, ये 1-degree अल्काइल हैलाइड हो गया. ठीक है, अब कार्बन कैटायन किसके ज्यादा स्टेबल होंगे, 2-degree के ज्यादा स्टेबल होंगे, इसलिए 2-chloro-propane जो होगा वो फास्टर SN1 रिएक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू 1-chloro-hexane के. ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो सेकंड का आंसर ऐसे लिखेंगे, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन, फास्टर इज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन. ठीक है, 2-chloro-heptane फॉर्म्स 2-degree कार्बन कैटायन, व्हाइल 1-chloro-hexane फॉर्म 1-degree कार्बन कैटायन. ठीक है, सिंस 2-degree कार्बन कैटायंस आर मोर स्टेबल देन 1-degree कार्बन कैटायंस, देयरफॉर 2-chloro-heptane undergoes faster SN1 reaction than 1-chloro-hexane. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हाँ, अब है क्वेश्चन नंबर 10.9. आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई आर एंड आर डैश इन द फॉलोइंग. तो ये क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं. पहले तो इसको पहले हम लिख लेते हैं पूरा, उसके बाद एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, एक एक ए बी सी डी ई आर एंड आर डैश को निकालेंगे. ठीक है, चलिए फिर से सॉल्व करते हैं. हाँ, तो ये फर्स्ट कंपाउंड दिया गया है, तो ये क्या है, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन. प्लस ये रिएक्ट करता है Mg के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में ये क्या देगा, ये देगा एम जी
बी आर, ये दे देगा एम जी बी आर। साइक्लो हेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक गिडनाट रिएजेंट की तरह ये रिएक्शन होगा, साइक्लो हेक्साइल मैग्नीशियम मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये हो गया हमारा ए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ए को जब हम पास कराते हैं H2O से तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट मिलेगा ऐसे, प्लस एम जी ओ एच पी आर, बी आर, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये हो गया कंपाउंड बी, ये कंपाउंड बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का ये, तो आर बी आर बी आर प्लस एम जी डाइथर से सी बनेगा, सी को फिर डी टू ओ के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बनेगा प्रोपाइल में सेकंड पोजीशन पे डी लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्रोपाइल, ठीक है। अब ये एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, फिर एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको MS3 कार्बन एटम वाला होगा, तो इसी हिसाब से यहाँ पे, और ब्रोमीन कहाँ पे लगेगा, जिस पोजीशन पे डी लगा हुआ है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा CH3 यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2-bromo-bromopropane, ठीक है। अब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, Mg के साथ, ट्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये कंपाउंड देगा C, तो C कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा, C कंपाउंड हो जाएगा CH3CH CH3 और यहां पे MgBr हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब नेक्स्ट, इसके साथ हम ट्रीट कर रहे हैं, क्या ट्रीट कर रहे हैं, D2O इसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, यहां पे दिया गया है C के साथ, तो ये कंपाउंड C क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, ये C हो गया। अब C के साथ D2O ट्रीट कर रहे हैं तो हमारा फाइनल कंपाउंड
बन रहा है, और उसमें सेकंड प्लेस में डी ऐड हो रहा है। तो इस केस में और आर हो जाएगा ये आर बी आर आर ये हो गया, ठीक है। अब इसके साथ डी टू ओ आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ डी टू ओ जब रिएक्ट करेगा। अब थोड़ा नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, आर डैश एक्स है, वो सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में उज रिएक्शन से क्या बनाता है, डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन आइटम कितना है, इसको हम यदि तो इसमें सिक्स कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है, इसमें सिक्स हैं, तो इसका नेमिंग कन्वेंशन क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग कन्वेंशन हो जाएगा टू टू थ्री थ्री, ऐसे लिख लीजिए वन टू थ्री, तो टू 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 थ्री थ्री टेट्रा मिथाइल, चार मिथाइल ग्रुप हैं, टी ई टी आर ए टेट्रा मिथाइल यहाँ पे फोर हो गया ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका आधा होगा यहाँ पे आरडेस, तो आरडेस क्या हो, आरडेस क्या हो जाएगा, आरडेस हो जाएगा इसका आधा कितना है, छह कार्बन आइटम है तो तीन कार्बन आइटम वाले बन जाएंगे, तो सी एच थ्री हो जाएगा, सी एच थ्री हो जाएगा, सी एच थ्री तीन ये बन गए, ठीक है। तो टोटल सिक्स कार्बन आइटम, अब इसके आधे आधे हो गए। अब और यहां पे एक्स लग गया, तो ये पोर्शन हो गया आर डैस, ये हो गया आर डैस, ठीक है। अब ये आर डैस जो है वापस से क्या करता है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। तो इसका नेक्स्ट केस देखते हैं, ये वापस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके डी बनाता है, तो ये कंपाउंड हो गया डी, ठीक है, ये कंपाउंड डी हो गया। इसका नाम क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये H2O के साथ रिएक्ट करके E बनाता है। अब E क्या होगा, तो ये बना देगा CH CH3 CH3 CH3, इसका लॉन्गेस्ट चेन का नाम कर वन टू थ्री हो गया। अब ये इसका नाम हो गया टू के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, टू मिथाइल प्रोपेन, वन टू थ्री प्रोपेन, टू मिथाइल प्रोपेन हो गया, क्या
a compound E. ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया A B C D E और R और R डैश. ठीक है, ये हमारा इंटेक्स का लास्ट क्वेश्चन था, आज यहीं तक रहने देते हैं. अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. आज का क्लास समाप्त करने से पहले आप लोगों से सविनय निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें. बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्लीज़ ऑन कर लें, जिससे कि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाएगा जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे. आपका आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, इस शुभकामना के साथ आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं. अगले लेसन में जल्दी से जल्द आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़.